हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल अनलकी पार्थ पर। इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताने आया हूं कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर के जो नंबर थे वो शो होना था। बहुत लोग आप लोग इस टाइम का वेट कर रहे थे कि कब नंबर शो हों, कब हमें पता चले हमारे कितने नंबर घटे हैं या बढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली SSC ने नंबर जारी कर दिए हैं, तो जिन भाइयों का फिजिकल में नाम आ गया था वो जाके अपने नंबर चेक कर सकते हैं कि उनके रॉ मार्क्स के बाद नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं या घटे हैं। और जिन भाइयों ने चेक कर लिया, अच्छी बात है, नहीं किया तो जाके फटाफट चेक करिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी किस शिफ्ट में कितने मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज़ हुए हैं। तो आप लोग कमेंट करके शिफ्ट नेम वाइज बता सकते हैं ताकि एक आइडिया होगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, टफ थी। वैसे तो सभी लोग बता रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट थोड़ा एवरेज थी, थर्ड शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी, कितने क्या नंबर आप लोग बताएंगे उससे एक आइडिया स्पष्ट होगा। और जिन भाइयों का फिजिकल चल रहा है वो अपने फिजिकल की प्रिपरेशन करें। और रही बात मेरे के नंबर बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन में या कम हुए हैं, तो दोस्तों मैंने अभी चेक नहीं किया, सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ तो उसके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग चेक कर लिए और बताइए कमेंट में नंबर, उससे एक फाइनल कट ऑफ का आइडिया होगा। ठीक है दोस्तों, कि फाइनल आपकी जो कट ऑफ है कितने नंबर बढ़ सकती है। और साथ ही साथ मैं आपको यही बता दूं कि फिजिकल फरवरी में पूरे पूरे चांसेस हैं होने के, तो आप लोग जो भी फिजिकल कर रहे हैं थोड़ा उसमें तेज़ी लाइए। अगर आपकी रनिंग आसपास नहीं आ रही तो कोशिश करिए कि उसको 6-6.5 मिनट में लाने की अभी, और आने वाले दिनों में कोशिश करना कि 6 मिनट में ही आपकी 1600 रनिंग आ जाए। ठीक है दोस्तों, और फिजिकल के साथ साथ ट्रेड टेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है, तो उस पर भी ध्यान देते रहना। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपकी इस भर्ती में सिलेक्शन हो, आपकी ज्वाइनिंग हो और आप भी दिल्ली पुलिस का एक हिस्सा बने। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करना। बस इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपना पढ़ाई करते रहना, ठीक है मित्रों, क्योंकि दिल्ली पुलिस फिर से आने वाली है 2023। ठीक है, बाय।